एक बार इन दोनों की तरफ देखिए, आपको सच में लगता है कि चुप हो जा आसमा, बहुत भलाई कर ली तूने और तेरी ये भलाई ना इस घर को बर्बाद कर देगी। हाय रब्बा आसमा, ये तूने क्या किया, किस मुसीबत को उठा के घर ले आई है। जो किता सो किता, वो पक्ष दे हमें, लेके जा इन सबको यहाँ से, मैं देश के दुश्मनों को अपने घर में बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। वो छोटा सा बच्चा, आप इन्हें देखिए, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है, ऐसे इतनी रात को हम इन्हें बाहर कर, ये कल चले जाएंगे। और तेरा जहाँ जी करे लेके जा इनको। जहाँ आप शो में ये देखते हैं कि किस तरीके से जो आसमा है मुर्तजिम और मुर्तजिम के बेटे को अपने घर में पना दे देती है, तो वहीं पर अरमान अभी इन सब बातों से पूरी तरीके से बेखबर है। आने वाले एपिसोड में आप देखते हैं कि जहां पर आलिया को छोड़ दिया है अरमान ने शादी करते ही, तो वहां पर आलिया भी काफी दुखी है और उसे सोना पड़ रहा है बुआ जी के पास। ये कैसे बात कर रहे हो आप आसमा से? तो चुप हो जा अरमान, आज अगर तू बीच में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ इंसानियत की देवी, सामान ले और घर से दफा हो, वरना मैंने पुलिस को बता देना है कि तूने ना किसी गद्दार को घर पे पनाह दे रखी है। बुआ! बस! अगर हम दोनों यहाँ हैं तो सिर्फ इसकी वजह से, वरना लाशें आती हमारे यहाँ। मुर्तजम ने मेरे और अरमान के लिए अपने बच्चे तक की परवाह नहीं की। दूसरी तरफ जो आसमा है, घर में जब पुलिस आ जाती है तो वो मुर्तजिम और मुर्तजिम के बेटे को छुपाती हुई दिखाई देती है, यानी कि मदद करती है मुर्तजिम की। लेकिन जब अरमान के सामने ये सब आएगा तो क्या अरमान इस बात को एक्सेप्ट करेगा, या फिर उसे लगेगा कि आसमा दे रही है मुझे धोखा, या फिर अरमान देगा आसमा का साथ मुर्तजिम को वापस भेजने के लिए उसके मुल्क। आने वाले एपिसोड में आपको काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर अरमान भी दारू पीने के बाद ये सब कह देता है कि भाई आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी को सर्कस बना दिया है, तो दूसरी तरफ आसमा भी काफी सारी चुनौतियों का सामना कर रही है, आलिया और अरमान की शादी में भी पहुंच नहीं पाती है। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर सुखी और बाकी परिवार वाले चाहते हैं कि आलिया की कोख में जो राजा का बच्चा पल रहा है अरमान उसका ध्यान रखे, उसे नाम दे। तो अरमान ने शादी तो कर ली, लेकिन वो शादी आसमा के साथ ही निभाएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।